हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, एक अलग वीडियो में। दोस्तों, मैं एक गांव में आया हूं। वहां पर एक ट्रैक्टर के सहारे गन्ना का रस निकाला जा रहा है। जी हां साथियों, देख सकते हैं गन्ना पेरा जा रहा है। दोस्तों, मैं सबसे बता दूं, पहले मैं आज थोड़ा सा छतुआ देसी भाषा में थोड़ा बात कर लूँगा। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं चरखी से बोलते हैं इस मशीन को, गन्ना पेरा जा रहा है, उससे रस निकाला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर गुड़ बनाया जाएगा। एक भारत की संस्कृति है दोस्तों, जो बहुत जगह यह विलुप्त होती दिखाई दे रही है। अब कहीं कहीं किसी किसी गांव में दोस्तों यह कुछ देखने को मिलता है। एक ज़माना था दोस्तों, औराई में चीनी मिल हुआ करता था, तो गन्नों की खेती आपके भरोसे हुआ करता था दोस्तों। लेकिन अब यह विलुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। गन्ना पेरे जाने के बाद दोस्तों इसे भट्ठा पर रखा जाता है, बड़ा सा कढ़ाई होता है, वहाँ पर दोस्तों इसे इकट्ठा किया जाता है और आगे के सहारे उसे 3 से 4 घंटा टाइम दिया जाता है, तब यह गुड़ प्राप्त होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं एक तरफ खोया जो बेलन के सहारे से खोया निकाल दे रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है दोस्तों। ट्रैक्टर के सहारे देख सकते हैं बहुत सारा गन्ना था जो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों आइए दिखा देता हूँ थोड़ा ऊख का नज़ारा, गन्ना का नज़ारा। देखिए दोस्तों, यह ईख की खेती है, जो ऊख बोलते हैं आपके भदोही में, गन्ने की खेती में। सुबह का ही समय है दोस्तों, 9 बज रहा है। खेतों में सभी लोग गन्ने को छील रहे हैं, उसकी सूखी पत्तियों और हरी पत्तियों के निकाल दे रहे हैं दोस्तों। उसे लाए जाने बाद गन्नों को पेरा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया है गन्ने का रस और उसके गन्ने के ऊपरी परत जो देखिए दोस्तों, इसे मेही बोलते हैं दोस्तों, या इसे भी छान देंगे दोस्तों। जब गर्म हो जाएगा तो इसे छान देंगे और ये गन्ने की जो सूखी गन्ना पेरा गया है, जो उसके निकले गए हैं, तो इसी सहारे इसे जला कर 3 से 4 घंटा समय दिया जाता है, तो यह बनता है दोस्तों गुड़। जी हाँ दोस्तों, देसी गुड़ इसी के सहारे बनता है। यह सूखी सूखी निकली है दोस्तों, देख सकते हैं ये सुखाया जाएगा इसी बेलन के सहारे, इसी मशीन के सहारे दोस्तों गन्नों को पेरा गया है दोस्तों। यह भदोही जिला में बहुत दोस्तों अब कम ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। एक भदोही की कृषि संस्कृति थी दोस्तों। इसे गुड़ बनाने में दोस्तों करीब 4 से 5 घंटे का लोग समय लेते थे। देख सकते हैं दोस्तों, यह ट्रैक्टर का यही बेलन के सहारे चलता था मशीन दोस्तों। आइए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे इसे थोड़ा गुड़ बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रस को भर दिया गया है, उसके बाद इसे आग के सहारे जलाया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, गन्ने की पत्तियाँ सूखी पत्तियों का लाया जा रहा है, इसमें डालेंगे मतलब झोंकेंगे, आग से जलाएंगे दोस्तों। 3 से 4 घंटे का समय देंगे तो यह गुड़ बनेगा दोस्तों, नहीं तो इसे एक पास भाषा में बोल सकते हैं दोस्तों, खाड़ बनता है दोस्तों। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो आपकी भदोही की कृषि संस्कृति को देखकर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों।